क्या आता जानकारी मिली है सर, कहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ कितने बजे तक पहुँचेंगे? जी 12:30 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से हमें इब्रामपुर, इब्रामपुर होते हुए हुड़को, बागलकोट रोड, बस स्टैंड, चर्च को लेक जाने का कर रहे हैं। वहाँ से आगे जैन मंदिर को लेक जाने का कर को, उसके बाद एक हमारे साल का फाउंडेशन बहाने का, फाउंडेशन बहा को उनको खाना खिला को रंग मंदिर लाते हैं। वहाँ वाप अदालत तो चलती है। उसके बाद कल लाहौर डीसी ऑफिस में उन्होंने मीटिंग रखा है। जो भी जिले के वक्फ के मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, मुतवल्ले का जो भी हो, वो काम करने के वास्ते हमें वक्फ अदालत कराई। हमारे जमीर अहमद साहब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आधा घंटा पौने घंटे में आते हैं भी जाओ। सर, यहाँ से जब वो उनको आप रिश्यू करेंगे तो क्या कैसा बाइक रैली से, हाँ, बाइक यानी रैली से बाइक लेके जाते रैली से ये तमाम आप जो रूट बताए हैं, ये वहां रोड से से, होते हुए हाँ, बाइक रैली से बाइक जाए रैली तो से जाते हैं। आप एक आधे घंटे में पहुंचेंगे? आधे घंटे में पहुंचते हैं। ये फर्स्ट और बार हो रहा है बीजापुर जिले का। गुलबर्गा, बिदर, हावेरी, बेलगाम, धारवाड़ कर रहे हैं। ये बीजापुर का, बीजापुर में बहुत है, इसके वास्ते बीजापुर में करने तो लगा पहली बार का जो है वक्फ अदालत चल रही है बीजापुर है। वो फर्स्ट बार चल रही है, उनको हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जमीर अहमद साहब। आज शहर बीजापुर के अंदर हमारे कर्नाटक सूबे के हज मिनिस्टर और वक्फ मिनिस्टर, माफ कीजिए, वक्फ मिनिस्टर और वस्ती मिनिस्टर यहाँ पर हमारे बीजापुर को आ रहे हैं। हम सब लोग पूरे बीजापुर शहर के तरफ से उनका वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। कहाँ जमा हुए? टोल नाके के ऊपर जमा हुए हैं। यहाँ से टोल नाके से हमारे यहाँ से सीधा जो है बीजापुर शहर के अंदर उनको लेकर, पहली बार हमारे बीजापुर के अंदर एक बाइक रैली के जरिए हम जमीर अहमद खान साहब को पूरे बीजापुर शहर में लेकर जा रहे हैं। और जगह जगह पर हमारे पूरे बीजापुर के जो हमारे लीडर्स, हमारे जो उनको चाहने वाले, उनके सब की गुलपोशी वगैरह रखते हुए वक्फ अदालत जो आज मुनक्किद की गई है, वहां पर जाकर पहुंचेंगे। हम जमीर अहमद खान साहब का दिल की गहराई से यहाँ पर क्या है मालूम में क्या खैर मकदम करते हैं। क्योंकि जमीर अहमद खान साहब जब बीजापुर को आ रहे हैं तो बीजापुर के सभी मुसलमानों के वक्फ अदालत जो रखी गई है उसके शान में हम सब जो कर बाइक रैली लाके पूरे यहाँ से उनको यहाँ अच्छे तरीके से यहाँ से स्वागत करते हुए हम उनको लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे जो तनवीर पीरान के मदरसे में कॉलेज का ओपनिंग है, ओपनिंग करते हुए बाद में रंग मंदिर में जब वक्फ अदालत होगी तो इसलिए हम उनके स्वागत करने के लिए सारे बीजापुर के नौजवानों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमीद भाई मुसीब साहब और हम मिला के यहाँ सब जना पूरे जमीर अहमद खान साहब जो बहुत बड़े काम कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस भी दिए हैं, जो डी फ्रीजेस हैं वो भी दिए हैं, और पूरे कब्रस्तानों को जो कंपाउंड का यह मामला है वो दिया, और सबसे ज्यादा वक्त जब मिनिस्टर बने हैं तो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने की वजह से हमारे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि जब तक एजुकेशन नहीं आता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। आज मुसलमानों के लिए एजुकेशन को जो लहर जो उन्होंने छोड़ दिया है ये बहुत बड़ा काम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद अगर कोई एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया है तो जमीर अहमद खान साहब हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, वक्फ अदालत से क्या फायदा होगा? वक्फ अदालत से बहुत सारा फायदा होगा कि लोगों के जो मस्जिदें हैं उनके जो उतारे नहीं है, उनके पीटी शीट नहीं है, लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या वैसे कौन से भी मस्जिदें हैं तो उन सब लोगों को ये लीगलाइज हो जाता है। इसमें सब लोगों को यहाँ पे हमारे डीसी साहब, एसी साहब, तहसीलदार साहब, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब सब लोग यहाँ पे रहेंगे इस वक्फ अदालत में। ऑलरेडी गुलबर्गा में, बेलगाम में जो किए हैं सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को हुआ है, उसके लिए जो है लीगली करने के लिए ये सब वक्फ अदालत की जा रही है। सर, नगर शासक बसंत गौड़ा पाटिल जी ने तो वक्फ को रद्द करने की तक मांग करी। वो होता कौन है? वो होता कौन है? क्या उसके बाप दादा की अस्थि वक्फ कर रहे हैं? उनके वक्फ क्या है मालूम नहीं है। वक्फ वो होता है जो अल्लाह के नाम पे छोड़ा जाता है। ये कोई गवर्नमेंट की जमीन नहीं है वक्फ में, ये कोई किसकी जमीन नहीं है,
यहाँ के पहले बड़े जो मुसलमान थे वो वक्फ कर रहे हैं, वो इसलिए किए हैं कि वहाँ पे मस्जिद बनाए, मदरसे बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह को, गवर्नमेंट को दिए भी जगह है, ये इसे वक्फ कहते हैं। उसे ये मालूम नहीं वक्फ का मतलब, वक्फ का क्या है कहने का। वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पे छोड़ देना, अल्लाह के नाम पे छोड़ देना। तो ये जो आधे सारे पढ़े लिखे रहते हैं तो ये कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, ये कोई इनकी मजाल नहीं है बोलने के लिए। ये हम मुसलमान जो इब्राहिम रजा दिए हैं, गोल गुम्बद दिए हैं, ताब मैदान दिए हैं, यहाँ पे ताज बौड़ी दिए हैं, ये सब क्या है? ये सब मुसलमानों की देन है, इसलिए इन लोगों को ये कुछ वक्फ का मतलब ही नहीं समझता। क्या ये मुजराई इलाके में हम लोगों को एंट्री करने देंगे क्या? जब इन्होंने करने देते तो हम क्यों इसको करने देंगे? सर क्या अब कहाँ पहुँचे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन? अब नजदीकी है, नजदीकी है, अभी एक 10-15 मिनट में वो रीच हो जाएंगे। तो अभी वहाँ पे एक कार्यक्रम में उनको रुकना पड़ा, उसकी वजह से देर हो गई, नहीं तो प्रॉम्प्ट यहाँ पौने 12 बजे वो रहने वाले थे। आते वक्त लोगों की प्यार है, लोगों का मोहब्बत, लोगों का ये है, तो वहाँ पे खड़ा होकर उनको स्वागत कर रहे हैं। तो अभी आज जल्दी अभी आएंगे, तो आने के बाद यहाँ से हम बाइक रैली वगैरह लेके उनको अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, बीजापुर शहर में सब घुमाते हुए उधर लेके जाएंगे। जमीर अहमद साहब जो बीजापुर को आ रहे हैं, वो पहली बार यहाँ पर आकर हमारे मुतवल्लियों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और यहाँ के जो भी अपने अपने इसके लीडर हैं, वो लीडर के सबके लीडरों के दरगाहों को जाकर, उनके मंदिरों को जाकर वहाँ भी भेंट देने वाले हैं वो। उसके बाद वो रंग मंदिर में आकर वक्फ कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर टोल नाके पे आएंगे। जयपुर में ऐतिहासिक ये हमारा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। अब मैं जमीर अहमद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पहली मरतबा ये सवाल जवाब मुतवल्लियान का एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने मना मुतवली की कोई इज्जत थी ना। हमारे जमीर अहमद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुजापुर या पूरे ऑल कर्नाटक में मुतवलिया मस्जिदों का, हमारे वक्फ बोर्ड का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं, और उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक मुतवलियों की अब तक कोई पूछता न था? हाँ, कोई पूछता था न, कोई ना हमारा ये था मकसद, शुभ नाम के मुतवली थे। अब जरा जमीर अहमद साहब आने के वजह से मुतवलियों में अब जरा जान डाल रहे हैं, और हमारे मुतवलियों की जमीनों का सही प्रोडक्शन होगा, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।